लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोरोना से हर दिन हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं और सैकड़ों लोग जान गंवा रहे हैं, फिर भी अधिकांश लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन की पाबंदियों को मानने को तैयार नहीं है। आज नई मुंबई जोन 1 के DCP सुरेश मेघने के नेतृत्व में पुलिस ने वासी टोल नाका पर नाकाबंदी की और ऐसे ही वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। DCP ने कहा कि कुछ लोग लाल हरा पीला स्टिकर लगाकर वाहन चला रहे हैं, लेकिन इसके साथ ई पास अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बिना ई पास के इंटर डिस्ट्रिक्ट यात्रा की अनुमति नहीं है, इसलिए आज तमाम वाहन चालकों को लौटाया गया, वहीं दर्जनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी को देखते हुए नई मुंबई पुलिस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने में जुट गई है। आज वासी टोल नाका समेत नई मुंबई के 8 एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पुलिस की तगड़ी चेकिंग देखने को मिली। दरअसल अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों पर लाल हरा पीला स्टिकर लगाने की घोषणा के बाद अधिकांश लोग इसका दुरुपयोग करते पाए गए थे, जिसके बाद इसे रद्द करते हुए आज पुलिस ने जिले से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया। तस्वीर में दिख रहा है यह नई मुंबई का वासी टोल नाका है, जहां खुद जोन 1 के DCP सुरेश मेघड़े अधिकारियों के साथ वाहनों की जांच पड़ताल और कार्रवाई करते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई पास के बिना वाहनों को इंटर डिस्ट्रिक्ट यात्रा की परमिशन नहीं है, फिर भी तमाम वाहन चालक मनमानी कर रहे हैं, इसलिए जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। DCP सुरेश मेघड़े ने बताया कि नई मुंबई में ऐसे 8 एंट्री पॉइंट्स पर नाकाबंदी की गई है। उन्होंने वाहनों की जांच पड़ताल के बाद और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। नई मुंबई के ज्यूरिडिक्शन में हम 8 जगह पे जहां एंट्री पॉइंट्स है वहां नाकाबंदी अभी सख्त कराई है और यहां हम पूरा चेकिंग कर रहे हैं, हर व्हीकल का चेक कर रहे हैं कि इसके पास ई पास होना जरूरी है। अगर उसके पास ई पास नहीं है और जो कोविड के जो रूल्स हैं अगर उसका वायलेशन है तो उसके ऊपर हम फाइन की भी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके ऊपर मोटर व्हीकल की भी कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर वो सब लॉन्स है लेकिन उसके पास ई पास नहीं तो उसको वापस भेज रहे ताकि वो ई पास लेके हमारे ज्यूरिडिक्शन में एंट्री करे। अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट जाने के लिए ई पास जरूरी है। बता दें कि राज्य सरकार ने 1 मई तक कठोर प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन लगाया है। पुलिस और प्रशासन इसका कड़ाई से पालन कराने में जुटे हैं, लेकिन आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कारोबार और कमाई की लालच में नियमों का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। पुलिस उपायुक्त ने ऐसे लोगों को आगाह करते हुए नागरिकों से भी लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।